दो दिन पहले जयपुर के आईसीजे कॉलेज में सातवीं मंजिल से गिरने से अदिति सांघी नाम की छात्रा की मौत हो गई। हर कोई इसको हादसा बता रहा है, लेकिन समाचार प्लस सवाल खड़ा कर रहा है कि क्यों इसको हादसा कहा जाए, क्यों ना इसको हत्या कहा जाए और इसके पीछे की वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। ना परमिशन ली, ना किए सुरक्षा के इंतजाम, आईसीजी कॉलेज की लापरवाही का खूनी अंजाम। हर सवाल पर कॉलेज प्रशासन की सिली जुबान, ये हादसा नहीं हत्या है। इस 7 सेकंड के वीडियो में अदिति की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो ऊपर की तरफ हाथ लहराए खुद को बचाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऊपर खड़ा पिता भी असहाय बेटी को मौत के मुंह में जाते देखने के अलावा कुछ ना कर सका। लेकिन अदिति की मौत क्या एक हादसा है या फिर एक हत्या है, इस सवाल के जवाब के लिए आपको इस 7 सेकंड के वीडियो का हर सेकंड देखना होगा, जिसमें कई सवाल हैं, कई सुराग हैं, जिसकी वजह से अदिति की मौत हो गई। शुरुआत से इस वीडियो को देखिए। पहले सेकंड में एक लड़की रोप के सहारे सातवीं मंजिल से नीचे की तरफ आती है और छत पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं खड़ी हैं, लेकिन यहां ना तो कोई बचाव का इंतजाम है और ना ही छत पर रेलिंग लगी है। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि बारिश की वजह से छत गीली थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आगे देखिए, जो लड़की रोप के जरिए नीचे उतर रही है, ना तो उसने कोई सुरक्षा उपकरण पहना है और ना ही हेलमेट। क्या ये ट्रेनिंग के नाम पर छात्रों की जिंदगी से सीधे सीधे खिलवाड़ नहीं था? आगे बढ़ते हैं। ये वो लम्हा है जहाँ से अदिति की मौत का काउंटडाउन शुरू हुआ। वजह दो रही, छत पर रेलिंग का ना होना, बहुत ज्यादा लोगों का होना, सुरक्षा के इंतजाम ना होना। लेकिन अदिति ऊपर से गिरने के बाद भी बच सकती थी, अफसोस वो बच नहीं पाई। इसकी वजह के लिए वीडियो को आगे देखिए। सातवीं मंजिल से ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन कमाल देखिए, नीचे बचाव के लिए कोई जाल तक नहीं था, जिसकी वजह से अदिति जमीन से गिर अपनी जान गंवाती नजर आई। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि इतनी लापरवाहियों के बीच आईसीजी कॉलेज को इस ट्रेनिंग की परमिशन किसने दी? समाचार प्लस ने जब पड़ताल की तो पता चला कि कॉलेज ने कोई परमिशन ली ही नहीं और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए। ऐसे में समाचार प्लस का सवाल है, क्यों ना इसे हादसे की जगह हत्या कह दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो तस्वीरें आपने देखी, समाचार प्लस ने कुछ सवाल खड़े किए हैं कि आखिर आईसीजी कॉलेज को छात्रों छात्राओं की जिंदगी से खेलने का हक किसने दिया, आखिर क्यों और किसके कहने पर यह ट्रेनिंग वहां पर रखी गई, सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए और क्यों इसे हादसा कहा जाए, क्यों ना हत्या कहा जाए। बात इसी पर करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता डॉक्टर दीपक भाकर जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, इसके अलावा हेमलता शर्मा मेरे साथ हैं, स्कूल संघ से जुड़ी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चौधरी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, चर्चा मैं आपके साथ ही शुरू करना चाहूंगा। समाचार प्लस ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, क्यों ना इसको हादसे की जगह हत्या कहा जाए और आईसीजी कॉलेज के खिलाफ लापरवाही बरतने, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शुरू से ही इस प्रकरण में कॉलेज प्रबंधन की बहुत बड़ी खामी रही है जी। शहर को स्तब्ध कर देने वाली घटना हुई और कॉलेज प्रबंधन के मालिक जी अशोक गुप्ता जी ने आज तक खेत तक प्रकट नहीं किया। उस घटना में अगर वो बच्ची के हाथ पैर या कोई चीज और बच्ची से फंस जाती तो जी एक दो बच्ची चपेट में और आ सकती थी। सर तस्वीरें मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि जहां से ये ट्रेनिंग ऊपर से दी जा रही है, दर्जन भर से ज्यादा छात्राएं वहां पर है, बिल्कुल एक भी तो रूल नहीं जिसको फॉलो किया गया हो, ना जो रोप के जरिए नीचे आ रही है उन्होंने हेलमेट पहना है, ना सेफ्टी गार्ड है, ना नीचे जाल है, ना ऊपर रेलिंग है। सर इसमें कॉलेज ने परमिशन नहीं ली, रैपलिंग के दौरान किसी बाढ़ या किसी मुसीबत के वक्त किसी को निकालना होता है तो इतनी ऊंचाई भी नहीं होती जी। 6 मंजिला इमारत से आप इस तरह का एडवेंचर कर रहे हो, जबकि ये नेचुरल स्पेस पर होना चाहिए जी, उसके लिए जाल होना चाहिए, नीचे मिट्टी होनी चाहिए, जबकि कॉलेज कैंपस में पूरा कंक्रीट का बना हुआ है जी, नीचे सीमेंटेड फर्श और टाइल्स लगी हुई है। हेमलता शर्मा जी, हेमलता शर्मा जी, इस मुद्दे पर लगातार कॉलेज प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की गई,
उनकी सफाई मांगी गई, लेकिन लगा कि मानो जुबान इस हादसे के बाद सिल गई है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं, और इतनी लापरवाही के साथ छात्रों की जिंदगी से खेला जाएगा। जी ठीक कहा सर आपने, वास्तव में ये रिडिकुलस शो है, मतलब एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो वीडियो देखते हैं, जब पता चलता है कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी भयंकर लापरवाही कि किसी की जिंदगी, मतलब किसी की जान चली जाती है, किसी की जिंदगी का सबब बन जाता है वो। लेकिन आज तक जैसा अभी सर ने बताया, आज तक उन्होंने रिग्रेट नहीं किया, आज तक इस बड़े हादसे पे, इतनी बड़ी लापरवाही पे उन्होंने खेद तक नहीं जताया। और ये साफ दिख रहा है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप देखिएगा, देयर इज नो इंस्ट्रक्टर, देयर इज नो सिंगल टीचर ऑन द रूफ, एक भी टीचर आपको उन बच्चियों के साथ में नहीं है। क्या 16 साल की बच्ची इतनी ट्रेंड हो गई है, क्या वो इतनी परिपक्व है कि उसको बाकी सारी बच्चियों की जिम्मेदारी दे दी गई है, वो अकेली ऊपर हैंडल कर रही थी सारी चीजें, ये लापरवाही नहीं है तो क्या कहेंगे इसको? वहाँ कोई इंस्पेक्टर नहीं है, कोई जिम्मेदार टीचर नहीं है, मैनेजमेंट का कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर नहीं है, क्योंकि क्या होता है ये बड़े कॉलेज बड़े स्कूल, हादसा है या हत्या है? ये ऑब्वियसली देखिए है तो ये हादसा ही, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है इसके अंदर। और मेरा यही कहना, मैं दिल से आत्मा से कह रही हूँ कि जो इस तरह की लापरवाही करते हैं उनको वाकई कड़ी से कड़ी, उनको उनको एक सबक मिलना चाहिए, they should be punished। दीपक भाकर जी, दीपक भाकर जी, जी सर, जी सर, 2 दिन हो चुके हैं इस पूरी घटना को, अभी तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक रिएक्शन नहीं आया, कोई खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ नहीं हुई, क्या वाकई में आपको लगता है कि इतनी सामान्य घटना एक हादसा है जिसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं विजेंद्र जी, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और दर्दनाक ये घटना है जी, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और घर वालों को संबल प्रदान करे। मैं आपको 2-4 बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये आप स्पष्ट है अब तो, इसमें तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि ये घोर लापरवाही है। और उसका कारण है, देखिए लापरवाही की परिभाषा यही है कि वो किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए था और वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। डूइंग व्हाट दे आर नॉट सपोज टू डू और नॉट डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू कम्स अंडर नेग्लिजेंस। और इसके अंदर स्कूल प्रशासन स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार है, जो लोग हैं वहां पे जिम्मेदार हैं। और जहां तक आप बात करें, इसके तय प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल होते हैं, गाइडलाइंस होती है, उसके तहत ही कोई एक्टिविटी की जाती है। और मैं आपको जानकारी के लिए देती हूँ, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो ये लापरवाही लग रही है और जांच अभी इस संदर्भ में अभी तो भयंकर जी। मैं आपको सर, अगर कोई आंखों पर पट्टी बांध कर सड़क पर ट्रक को दौड़ाएगा और उससे किसी की मौत हो जाएगी, क्या उसको हादसा कहेंगे? यहाँ पर कॉलेज प्रशासन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ना उन्होंने परमिशन ली, ना सिक्योरिटी नॉर्म्स को उन्होंने फॉलो किया, इस वजह से एक बच्ची की जान चली गई। सहमत हूँ जी, ये घोर लापरवाही की कैटेगरी में आता है, बहुत ज्यादा इनकी तरफ से गलती हुई है और सरकार को उसी हिसाब से काम कर रही है। जो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्होंने अपनी जांच में बढ़ा दी है, पूछताछ की जा रही है। अभी पहले शुरुआत में तो देखिए, प्रथम दृष्टया जो लगता है उसके हिसाब से 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था, पर उसे शीघ्र ही उसमें कन्वर्ट करके संभावना है कि जो जांच होगी उसके अंदर लापरवाही और बाकी धाराएं भी जोड़ी जाएंगी और इसे फुल प्रूफ और एक टाइट केस बनाने की संभावना है। दीपक भाकर जी, क्या लगता है? नहीं, क्या लगता नहीं सर, जब नियमों का उल्लंघन किया गया तो पहले तो आप उनको हिरासत में ले। देखिए पहले जांच तो होगी, देखिए पहले पूछताछ तो होगी, नोटिस तो दिया जाएगा, जो जरूरी होगा वही कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ विजेंद्र जी, आपके वाकई में कमाल है सर, माध्यम से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी और जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। और उनको सर उचित कुछ भी करेंगे, बच्ची की जिंदगी वापस नहीं लौट सकती, लेकिन एक कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए थी, तुरंत होनी चाहिए थी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सर एक भी नियम फॉलो नहीं किया गया, परमिशन यहाँ पर ली नहीं गई और उसके बाद अभी तक कॉलेज प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा, छोटा नुमाइंदा भी पुलिस की हिरासत में नहीं। ये शर्मनाक बात है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें जो नॉर्म्स फुलफिल होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने कुछ नियम बना रखे हैं, उन नियमों की पालना होनी चाहिए थी। और नियम इस प्रकार से हैं कि जो ये एक्टिविटी थी वहां पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए या तो नेचुरल हैबिटेट होता है या फिर आर्टिफिशियल रॉक्स होती हैं जिन पे ये इस तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं, लेकिन स्कूल में ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। एक 6 मंजिली इमारत से, इतनी ऊंची इमारत से, 6 या 7 जो भी मंजिली इमारत है वहां से इस तरह की ये जो है एक्टिविटी की जा रही थी। और आप देखें इस तरह की एक्टिविटी के लिए जो सुरक्षा नियम होने चाहिए थे वो नियम भी बने हुए हैं और उनको ये मान के चलिए कि जो इंस्ट्रक्टर है वो जो है
ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेनिंग के साथ साथ वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर ये तो तय हो चुका है कि नियमों को यहाँ पर फॉलो किया ही नहीं गया, उल्टा धज्जियां उड़ाई गई। नियमों को फॉलो नहीं किया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि दो दिन होने के बाद भी आईसीजे कॉलेज के किसी नुमाइंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पहले एक होटल में हुआ था, हमारे जयपुर शहर के ही एक होटल में भी इस तरह का हादसा हुआ था, जहाँ पे ये एक फॉल्स सीलिंग जो है शादी समारोह चल रहा था और उसकी गिरी थी, तो वहां देखिए आप जो भी उस होटल के कर्मचारी थे और मालिक थे उनको तुरंत जो भी मिला गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ जो है लापरवाही पूर्वक इरादतन हत्या का आरोप लगा करके गिरफ्तार किया गया, मालिक फरार हुआ, बिल्डिंग सीज की गई, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी बंद होनी चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा कोई ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया गया जिससे ये साबित हो या ये पता पड़े कि कॉलेज में इस तरह की ठीक है। स्वर्णिम जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, मेरे पास डीसीपी साउथ का बयान इस मुद्दे पर आया है। जयपुर डीसीपी साउथ का बयान इस मुद्दे पर मेरे पास आया, मैं आपको वो सुनाता हूँ कि वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए जब समाचार प्लस ने सवाल खड़ा किया कि क्या इसके लिए परमिशन की जरूरत होती है या नहीं होती। जरा सुनिए। इसमें मूल जांच ये हो रही कि नेग्लिजेंस किसकी रही, हमारे कमिश्नर से कोई परमिशन किसी भी तरह के फंक्शन के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए नहीं लिए। अमूमन परमिशन लेते हैं, पर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर में बहुत सी एक्टिविटीज में परमिशन नहीं भी लेते लोग। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें सारे सुरक्षा मापदंडों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी छात्र के साथ कोई दुखद हादसा ना हो, और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उन पूरे मापदंडों को पर खरा उतरते हों तभी उन्हें स्वीकृति दी जाए कि इस तरह के साहसिक जो खेल हैं उनको करने की स्कूलों में या कॉलेजेस में स्वीकृति प्रदान की जाए। मुकेश चौधरी जी, आपने सुना होगा डीसीपी साउथ साफ साफ यहाँ पर कह रहे हैं कि कमिश्नरेट से कोई परमिशन यहाँ पर ली नहीं गई। सर मुझे इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे कि जब खुद कमिश्नरेट कह दे कि परमिशन ली नहीं गई फिर भी दो दिन तक कार्रवाई ना हो? सर स्तब्ध कर देने वाली इस घटना में कॉलेज के मालिक अशोक गुप्ता बहुत रसूखात वाले व्यक्ति हैं, उनकी रसूखात ऊंचे तक हैं, उनका एक ग्रुप है पूरा स्कूल कॉलेजेस का जी। और आज जो बयान आया डीसीपी साउथ का योगेश दादिश जी का, उन्होंने कहा है कि मृतक जो लड़की है उसके पिता ने लिख के दिया है हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, इस तरह की घटना से कोई लेना देना नहीं है, परंतु उन्होंने कहा कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। अच्छा बयान आया है और मुझे लगता है पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करेगा। लेकिन क्या दो दिन में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दीपक जी, क्या दो दिन में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप कुछ घंटे रुकिए, इसमें आपको कार्रवाई दिखेगी भी और सबके सामने दिखेगी और न्याय संगत कार्रवाई होगी। और आप जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं वो आपको सीखचों के पीछे दिखने वाले हैं बहुत शीघ्र। और जो बड़ा राहत देगा ये बयान, देखिए ये पिक एंड चूज वाला मामला है, राहत देगा आपका ये बयान। लॉ कैन नॉट बी मोर इक्वल फॉर वन फॉर अदर्स, कानून सबके लिए बराबर है। जब एक होटल पे कार्रवाई होती है उसको सीज किया जाता है जो आज तक बंद है और यहाँ कार्रवाई कोई नहीं की जाती। बात नहीं है, आप रुकिए, धैर्य रखिए, आपके सामने नतीजा आ जाएगा। अभी तो बहत्तर घंटे तो होने दीजिए। देखिए अभी आप भी जानते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति के हिसाब से थोड़ा टाइम रखना चाहिए। आदमी एक बार जांच तो कर ले पूरी, आप जांच किस चीज की जांच करना चाहते हैं बताएं। हेमलता शर्मा जी बोलिए। और लापरवाही की जहाँ तक बात है, देखिए बहुत स्पष्ट है, मैं लापरवाही नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये घोर लापरवाही है। सर समाचार प्लस ये कह रहा है कि हादसा नहीं है, ये हादसा नहीं हत्या है, समाचार प्लस ये कह रहा है। सर सर एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी सर कि अभी मैं बता रही हूँ, इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि पुलिस ने अपनी तरफ से वो एक्शन ले रहा है, प्रशासन अपनी तरफ से वो हरकत में आया है, लेकिन दुख होता है कि 72 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जो गुनहगार थे, जो लापरवाही जिन्होंने करी है, वो अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस पे ऐसे कोई एक्शन होने वाला नहीं है। पहले भी 2 साल पहले इसी कॉलेज में एक बच्ची ने, क्लास में 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट ने वहां पर सुसाइड किया था, उसने फंदा पंखे पे, वो फंदे पे झूल गई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो ले दे कि कुछ भी होता है वो केस दबा दिया जाता है। तो मुझे तो डाउट है, आई स्टिल डाउट कि वो इस मुद्दे पे भी इसी तरह दबा दिया जाएगा। फादर के द्वारा FIR लॉज ना होना, इतने बड़ी लापरवाही होने के बाद भी अभी तक कॉलेज प्रशासन पे कोई एक्शन नहीं होना, कोई कार्रवाई नहीं होना, ये साफ बयां करता है कि कोई भी एक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन हेमलता जी, हेमलता बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये घटना ही इस तरह की है जिसमें FIR की आवश्यकता नहीं है। हेमलता शर्मा जी, फादर की तरफ से FIR लॉन्च ना होना, उसका बड़ा कारण ये कि वो खुद इसमें शामिल है। अगर इसके लिए FIR वो लगाएंगे, उसको बायपास कर दिया, उनके स्टेटमेंट को बायपास कर दिया गया है, और उनका कहना ना कहना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लापरवाही उनकी जगह की बात नहीं हो रही, बात हो रही है स्कूल प्रशासन की तरफ, कॉलेज प्रशासन, और उसको संज्ञान में ले लिया गया, स्वतः संज्ञान में ले लिया गया है, जांच में आने दीजिए और एक तरीके से चलेंगे ना। देखिए न्याय तो न्याय के तरीके से होना चाहिए,
अब जो प्रोसीजर से फॉलो करके आप कुछ दीपक जी, दीपक जी, डीसीपी साहब को आपने ही सुना सरकार इस मामले में कितनी संवेदनशील। दीपक जी जब ये वीडियो सामने आया था, तस्वीरें सब कुछ बयां अपने आप कर रही थी, ना तो बच्ची के सिर पर हेलमेट था, ना शरीर पर सिक्योरिटी गार्ड था, सेफ्टी गार्ड थे, ना ही ऊपर रेलिंग थी, ना ही नीचे कोई जाल बिछा था, ना ही परमिशन ली गई। सर ये सारी चीजें तो साफ हैं, इतनी चीजें साफ होने के बाद भी जांच में क्या निकालेंगे? मैं आपसे 110% सहमत हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो गाइडलाइंस IMF शिमला वालों की, मैं वहां गया हुआ हूँ, तो उसमें स्पष्ट कह रखा है कि अगर मौसम अगर वो गीली है, स्लिपरी है, पहली बात तो एक ग्रुप को उस पॉइंट पे खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर स्लिपरी है वहां पे या गीला है, अगर विंडी है, तो उस कंडीशन में भी ग्रुप को अलग खड़ा किया जाता है, उसके बावजूद जाल बिछाना चाहिए, उनको हेलमेट पहनानी चाहिए, उनको ब्रीफ किया जाता है, समझा रहा हूं ब्रीफ किया जाता है कि ये समझा रहा हूं। उसके अलावा जो 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 आपके ये बता रहे ट्रेनर एंड इंस्ट्रक्टर और जो स्टूडेंट का रेशियो है, उसकी भी एक तय गाइडलाइन है कि हर व्यक्ति के प्रति। सर ये सब चीज तो पहले एक मिनट में साफ हो गई, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, एक मिनट में साफ हो गई कि गाइडलाइंस की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं, ये तो पहले एक मिनट में साफ है। हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी और दो दिन कार्रवाई क्यों नहीं है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप समय दीजिए, आप समय दीजिए, कार्रवाई आप देखिए, अभी किस समय का इंतजार कर रहे हैं, क्या दोबारा हादसे होने का इंतजार कर रहे हैं? विजेंद्र जी हम आपकी बात, कौन सा समय चाहिए इनको? सहमत है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या आपको लगता नहीं कि अगले एक घंटे के अंदर, इस हादसे को होने के अगले एक घंटे के बाद कॉलेज प्रशासन से जो भी जिम्मेदार था वो सलाखों में होना चाहिए था, बाद में जांच होती जी, उनको नोटिस भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो कॉलेज प्रशासन है इसमें जिसने भी लापरवाही बरती है, जिसने परमिशन चली गई है एक्टिविटी करने की, उसके लिए लापरवाही होनी बड़ी आवश्यक थी। आप ये देखिए बच्ची जो गिरी वो छत की मुंडेर पर, वहाँ पे पैरापेट वॉल पर खड़ी थी जहाँ से फिसल करके गिरी है, और वहाँ पे जो बच्ची गिरी है वो इस तरह से नहीं गिरी है उसका पैर फिसला है, वहाँ पे इस एक्टिविटी में लापरवाही हुई है। जब एक बच्ची जा रही थी और की जो सपोर्टिंग रोप थी जिससे स्पीड कंट्रोल करते हैं, वो आप देखेंगे उस वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि उस रोप को स्पीड कंट्रोल करनी थी, वो बच्ची मुंडेर पर खड़ी होकर के छत के पैरापेट वॉल पर, और उस कारण से उसका जब वो स्पीड तेज हुई तो उस कारण से वो गिरी है। पहली चीज तो उसको वहां होना नहीं चाहिए था, कॉलेज प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि हमारे कॉलेज में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। स्वर्णिम जी ये सारी चीजें जो है 7 सेकंड के वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। मैं पूरा प्रोग्राम इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, क्या अगले घंटे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? दो दिन किस बात के लिए कार्रवाई होनी चाहिए थी? अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि इसी तरह की एक घटना जो है हमारे होटल में भी हुई थी जयपुर के पास में, आप ये मान के लिए 4 घंटे के अंदर अंदर तो उन्होंने कम से कम 5 कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए थे। इस बात का जवाब शर्मा जी, अफसोस इस बात का कि एक छात्रा की जान चली गई, और खुशी इस बात की भी कि शुक्र है कि इस रस्सी के जद में और छात्राएं वहां पर नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर मुंडेर पे खड़े थे लोग, छात्राएं खड़ी थी, ये हादसा बड़ा हो सकता था। तो क्या मैं ये मानूं कि अगर ये हादसा बड़ा होता तब एक्शन बड़ा होता? सर मैंने आपसे अभी निवेदन किया था कि ऐसे में क्या होता है कि बड़े, जैसे सर ने भी बताया, बड़े रसूखदार है ये, बड़े ग्रुप चलते हैं, ये सारी चीजें वो अपने अपने सर्वेंट्स पे छोड़ देते हैं, अपने कर्मचारियों पे छोड़ देते हैं जो जो कि जिम्मेदार होते ही नहीं है, क्योंकि उनको नोट गिनने से ही फुर्सत नहीं होती है। ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सो दैट दे शुड गेट अ लेसन। ठीक है मैम, आप ही बताइए आपके हिसाब से कार्रवाई क्या होनी चाहिए, उनको एक सबक, आपके हिसाब से कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था, मामला दर्ज होना चाहिए था, जो लापरवाह है, जो मैनेजमेंट के लोग है उनको जवाबदेह बनाना चाहिए था, दे शुड बी अकाउंटेबल। और कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि आज 2 दिन होने को आए और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द आके नहीं बोला है कि हमें बच्ची के लिए दुख है। देखिए प्रकरण में एक गिरफ्तारी नहीं हुई, कॉलेज की एक्टिविटी पे कोई लगाम नहीं लगाई गई, किसी प्रकार का नोटिस कॉलेज को जारी नहीं हुआ, संज्ञान में बिल्कुल नोटिस दिया गया। मैं आपको यही जानकारी के लिए देना चाहता हूँ, हिमलता जी की बात से मैं सहमत हूँ, स्वर्णिम जो मेरे कांग्रेस नेता उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मुकेश जी की बात से सहमत हूँ। सरकार इस मामले को संज्ञान में ले लिया है, सरकार ने इस बात की बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ
नोटिस दिया गया, नोटिस का वेट कर रहा है, देखिए टेप प्रक्रिया प्रोसीड, मुकेश जी मुकेश जी मुकेश देखिए जो कानून है जिसने कानून का उल्लंघन किया है अपराध हुआ है तो अपराध में नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, अपराध जहाँ हुआ है वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करके गिरफ्तार करना चाहिए, उसके अंदर आपको कार्रवाई दिखेगी और पब्लिक में हर चीज दिखने वाली है। सर दिखनी चाहिए कार्रवाई, इंतजार किया जा रहा है दो दिन से। जी बिल्कुल मुकेश चौधरी जी, अब तक नहीं दिखी इसका मतलब ये मान के चलिए कि जिसको न्याय मिलना चाहिए देरी से साथ अन्याय हो रहा है। जी रुकिए जरा, मुकेश चौधरी जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, क्या आपको ये घटना उस उदाहरण की तरह नहीं लग रही जो मैंने अभी दिया था कि आंखों पर पट्टी बांधकर कोई ट्रक सड़क पर चलाए और किसी की मौत हो जाए और कह दिया जाए कि हादसा है, जांच होगी? सर कमाल की जांच है। विजेंद्र जी शहर को स्तब्ध कर देने वाली ये घटना राजधानी में हुई है, अगर किसी छोटे कस्बे और शहर में हुई होती तो क्या हालत होती? आप ये देखिए एक लड़की की मृत्यु हो गई और अभी तक आज पहली बार पुलिस का बयान आया है, अभी तक बिल्कुल सरकार मौन है, किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया, एक भी आदमी से पूछताछ नहीं की गई कि आखिर इनको परमिशन किसने दी रैपलिंग करने की जी, कौन सा साहसिक कारनामा कर रहे हैं, बच्ची की मौत हो गई। 100% गैर राजन हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए अशोक गुप्ता जी के खिलाफ। दीपक भाकर जी अब मैं आपसे सर अंतिम सवाल और स्पष्ट जवाब दीजिएगा, राजस्थान की जनता कितने दिन इंतजार करे कि जो दोषी है वो सलाखों में पहुंचे? राजीनामे का सीन नहीं सर। जी विजेंद्र जी एक वॉटर टाइट केस बनाने के लिए इतने दिन की आवश्यकता नहीं, कुछ ही घंटे के अंदर फैसला आपके सामने होगा, थोड़ा धीरज रखिए, न्याय संगत कार्यवाही होगी और न्याय मिलेगा और जो पब्लिक डोमेन में वो आपके सामने रहे। सर क्या माना जाए कल शाम तक समाचार प्लस ये खबर फ्लैश कर दे कि इस हत्या के दोषी जो भी थे वो सलाखों में पहुंच गए? संभवतः बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी और आपके सामने होंगे। हेमलता शर्मा जी क्या वाकई में इतना आसान लग रहा है आपका जितना दीपक भाकर जी कह रहे हैं? अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोगों को खुशी होगी, हम लोगों को अच्छा लगेगा कि किसी एक बच्ची को जिसकी जिसकी हत्या हो गई है या जो जो बच्ची इस दुनिया में अब नहीं रही है उसकी आत्मा को कहीं कहीं शांति मिलेगी और ये बहुत लोगों के लिए मैसेज होगा, ये बहुत लोगों के लिए एक लेसन होगा कि लापरवाही करोगे तो उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहो। हर चीज पैसा देके मैनेज नहीं कर सकते हो आप, जो अब तक होता आया है ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए शुक्रिया हेमलता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया, दीपक भाकर जी आपका भी और मुकेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई में सवाल गंभीर है, एक बच्ची की लापरवाही की वजह से जान चली जाए, दो दिन बीत जाए और कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन उम्मीद की जा सकती है जिस तरीके से दीपक भाकर जी कह रहे थे कि कल तक इस पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई होगी और जो भी दोषी है उसको सलाखों में पहुंचा दिया जाएगा। बिबुलेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।